हेलो एवरीवन, मैं गायत्री, हाउ टू मेक बाय गायत्री, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग के लिए फिर से लेके आई हूँ रसगुल्ले की रेसिपी, थोड़ा डिफरेंट शेप में। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी जूसी रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। घर के बने हुए छेना से ही रसगुल्ले मैंने बनाए हैं ये। तो किस तरह से बनाना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर मैंने छेना पहले से बना के कपड़े में बांध के रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, तो इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिया था। इस तरह से देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर जैसा बना है। पनीर आप बोल सकते हो, छेना बोल सकते हो। यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून सूजी। इसी के साथ इसमें मैं लूँगी 2 पिंच बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर ले रही हूँ 2 पिंच। 1 पिंच इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पर ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। इन सबको डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे, एकदम अच्छे से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। एकदम फटाफटा नहीं रहना चाहिए ये, अच्छे से इसको मसल मसल के हम इसको एकदम सा सॉफ्ट सा बना लेंगे, जिस तरह से हमारा आटे का डो होता है ना, उस तरीके से। अभी आप देख रहे हैं ये फटाफटा दिख रहा है, लेकिन आप इसको मसलते जाएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और फटाफटा नहीं रहेगा, एक साथ बंध जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसका डो तैयार हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से मसल चुका है, अच्छे से मैश कर लिया है मैंने इसको, देखिए। तो बस इसके अब हम आप मन चाहे शेप में इसके रसगुल्ले बना सकते हैं। आप यहाँ पर जो आज मैं रसगुल्ले बनाना बता रही हूँ, आपको रोल टाइप में बता रही हूँ, देखिए इस तरीके से। इससे पहले ही मैंने रसगुल्ले की बहुत सारी रेसिपीज अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने छेना बनाना बताया, पनीर बनाना बताया है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर। तो बस इस तरह से मैं सभी को बना के रख लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह का शेप जो मैंने बनाया है रसगुल्ले का, वो मैंने बंगाली मिठाई बनानी है मुझे, इसलिए मैंने इस तरह का शेप बनाया है, लेकिन वो रेसिपी मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी सिर्फ मैं छेने के रसगुल्ले किस तरह से बनाते हैं वो बता रही हूँ। यहाँ पर शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो 2 गिलास भर के मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1 बाउल भर के, यानी कि 250 ग्राम के आसपास शुगर। अच्छे से शुगर को मेल्ट होने देते हैं और इसको ढक देते हैं, इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें छेने डालेंगे, छेने के जो रसगुल्ले बना के रखे हैं उनको डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इनको डाल देती हूँ सभी को, और फ्लेम को आपको हाई पे ही रखना, इस बात का ध्यान रखना है। 15 मिनट में हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इसको मैं सबको डाल के और ढक देती हूँ। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे, तो देखिए इस तरह से हमारे छेने के रसगुल्ले फूल गए हैं, और पहले जब हमने डाले थे उस समय इस तरह से थे, लेकिन अब फूल के डबल हो गए हैं। इनको फिर से ढक देते हैं और 5 मिनट और उबाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ना, डबल से भी ज़्यादा फूल चुके हैं। तो बस अब इसको हम कुछ सेकेंड के लिए इस तरह से खुले में पकाएंगे, उसके बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए सभी रसगुल्ले कितने अच्छे से फूले हैं। तो बस इनको हम सर्व करने के लिए सबसे पहले ठंडा करेंगे, तो इनको मैं डाल देती हूँ बाउल में। और सॉफ्ट बने हैं, स्पंजी बने हैं, गर्म है इसलिए मैं अच्छे से इसको आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी बने हैं। तो बस बाउल में डाल के इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर भी ठंडे होने में टाइम लगेगा, इसके लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए और बच्चे लोग इसको खा सके। तो बस यहाँ पर इसको मैं सबको डाल के और फ्रिज में रख देंगे हम, कम से कम आधा या 1 घंटे के लिए भी रख दोगे ना तो ठंडे हो जाएंगे ये। और जब ठंडा होने के बाद देखें तब इस तरह से दिख रहे हैं, देखिए ये। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।